मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। आज पूरा देश सरदार साहब की जन्म जयंती मना रहा है। आज जो हिंदुस्तान में हम एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिमालय से लेकर के सागर तक जो एक हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अंग्रेजों ने देश छोड़ते समय ऐसा षड्यंत्र रचा था कि अंग्रेजों के जाते ही देश 500 से ज्यादा रियासतों में बिखर जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए, राजे रजवाड़े अंदर अंदर लड़कर के मर मिटे, देश में खून की नदियां बहे। ऐसा षड्यंत्र जाते जाते अंग्रेज रच करके गए थे, लेकिन ये लौह पुरुष सरदार पटेल थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में गांधी के साथ एक साया बन करके, जन आंदोलन जगा करके, गांधी के हर विचार को जन शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया था। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों को दीन में तारे दिखाने की ताकत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखाई थी। वही सरदार साहब ने आजादी के बाद तुरंत अंग्रेजों की सोच को हिंदुस्तान की धरती में दफना दिया, राजे रजवाड़ों को मिला लिया और एक भारत आज हम सब जी रहे हैं। हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी एक हिमसागर ट्रेन चलती है, सबसे लंबी ट्रेन है, हिमालय की कुख से निकलती है और कन्याकुमारी के सागर तक पहुंचती है। जब हम इस ट्रेन में सफर करते हैं तो रास्ते में अनेक राज्य आते हैं, लेकिन न हमें किसी राज्य की परमिट लेनी पड़ती है, न किसी राज्य का वीजा लेना पड़ता है, न किसी राज्य को टैक्स देना पड़ता है। एक बार कश्मीर से चल पड़े, कन्याकुमारी तक बेरोक टोक चले जाते हैं। ये काम सरदार साहब के कारण हुआ था, तब जाकर के संभव होता है।